करणी सेना उदयपुर के युवा जिला अध्यक्ष ने मावली तहसील कार्यकर्ताओं की ली बैठक। क्षत्रिय समाज की मांगों की अनदेखी नेताओं को चुनाव में भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के निर्देश में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह टकटार और संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला के निर्देश में युवा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने आज मावली प्रताप वाटिका में मावली तहसील के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक की गई। बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों राजपूतों को नजरअंदाज कर रही है, उसी पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में चुनाव नजदीक है और दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सूची जारी की है। क्योंकि आपने जो सूचियां जारी करी है उसमें बिल्कुल ही हमारे क्षत्रिय समाज को निरंतर घटाने का जो प्रयास किया है, हमने आज सूची देखी है, कांग्रेस की सूची भी देखी है और भारतीय जनता पार्टी की सूची भी देखी है, जिसमें आपने हमारे राजपूत भाइयों को जहाँ जहाँ टिकट दिया है, ऐसी स्थिति में दिया है कि उनको हार का सामना करना पड़े, ऐसी जगह पे आपने उनको टिकट दिया है। और जो जीतऊ कैंडिडेट थे, जो 25-25, 33 हजार वोटों से जीते, उनका टिकट काट कर आपने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और ऐसी स्थिति में मैदान में उतारा जो वो टप एंड टप फाइट होती है, वहाँ पर आपने उतारा। और आपने जो टिकट दिए हैं बिल्कुल कम संख्या में दिए। हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मांग करी थी 35-35 सीटों की, उस पर भी आप खरे नहीं उतरे। आपने बिल्कुल लो क्वालिटी में जो आपने टिकट दिए हैं, बिल्कुल संख्या कम कर दी टिकट की। आप दोनों पार्टियां कान खोल के सुन ले, हम आपके गुलाम नहीं है, हम किसी की जाजम उठाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आप लोगों को जवाब देंगे मुंह तोड़। और क्षत्रियों को आप को खत्म करने की रणनीति बना रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे चुनाव में, क्योंकि आपने हमें काटने का पूरा प्रयास किया। और क्षत्रियों ने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी, हजारों हजारों साल तक लड़ाई लड़ी, हजारों हजारों गर्दनें देश के लिए कटवा दी और देश का अखंड भारत बनाने के लिए हजारों बीघा जमीनें और राजे रजवाड़े दान कर दिए। वही क्षत्रिय समाज आपसे भीख नहीं मांगता, हम हमेशा देने वाले में से लेने वाले में से नहीं है। पर आपने जो घुटाराघात किया है हमारे क्षत्रिय भाइयों का टिकट काट कर, और जैसे अभी चित्तौड़ में भी आपने देखा होगा कि चंद्रपान सिंह जी हजारों वोटों से जीते हुए प्रत्याशी, उनका भी आपने टिकट काटा, आपको भी वहाँ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और अन्य जगहों पर भी आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कान खोल के सुन ले, हम आप चुप बैठने वाले नहीं है, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो सामाजिक सेवा करने वाला नेता होगा उसी को वोट देंगे, हमारे दोनों पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। अब की बार भविष्यवाणी करेंगे आप दोनों का। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश।